अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सैंपल स्पेस को डिस्कस करेंगे जब हम दो डाइस को इकट्ठा रोल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं। सैंपल स्पेस को राइट करने के लिए सबसे पहले आप डाई वन और डाई टू के आउटकम्स लिख लें, जो कि हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं। डाई वन के लिए भी आप 6 आउटकम राइट कर लें और डाई टू के लिए भी आपने 6 आउटकम्स को राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने आउटकम्स को इस तरह से राइट करना है, ये तमाम हमारे पास डाई वन के आउटकम्स हैं और ये तमाम हमारे पास डाई टू के आउटकम्स हैं। आपने राइट इस तरह से करना है कि डाई वन तो हमारे पास 1 ही रहेगी, लेकिन जो डाई टू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम काउंटिंग को चेंज करते जाएंगे। जिस तरह से हमारा फर्स्ट आउटकम है, फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकेंड एलिमेंट भी 1, इसी तरह जब हम सेकेंड आउटकम पे आएंगे तो ये 1 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां से हमारे पास 2 चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड आउटकम हमारा होगा 2 1 3 1, देन 4 1 5 1 6 1। इसी तरह जब हम नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो वो भी आपने इसी तरह से राइट डाउन कर लेना है। यहां से हमारे पास जो 2 है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारी जो काउंटिंग है वो चेंज होती रहेगी। जो डाई 2 के एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। इसी तरह से आपने थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम को राइट डाउन कर लेना है। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि आप आउटकम्स को रो वाइज राइट करते हैं या कॉलम वाइज, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस तरह से राइट डाउन करते हैं एलिमेंट्स को या फिर इस तरह से करते हैं, यानी आप पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। आपको अगर इजी लगे तो आप रो वाइज एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लें या फिर आप कॉलम वाइज अपनी सैंपल स्पेस को राइट डाउन कर लें। सैंपल स्पेस के आउटकम्स यही रहेंगे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 बन जाएंगे दोनों डाइसिस के आउटकम को मिलाने से। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो गए और जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं और एग्जॉस्टिव हैं। इक्वली लाइकली इस तरह से हैं क्योंकि हर इवेंट के अक्कर करने का चांस इक्वल है, और एग्जॉस्टिव इस तरह से हैं तो जब हम इन तमाम आउटकम्स को इकट्ठा करेंगे, उनका यूनियन लेंगे, तो ये तमाम एलिमेंट्स मिलके हमारी सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर देंगे। जब हम टू डाइस को रोल करते हैं तो इसमें हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। तो सम टाइम क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें गिवन होता है कि जो सेम फेसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें, तो इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जितने भी हमारे पास डायगोनल वैल्यूज हैं इन पे सेम फेसेस होते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड देन 6 6। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 आउटकम्स 2 डाइस की सैंपल स्पेस में ऐसे होते हैं जो कि सेम फेसेस रखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और तरीके से भी हम 2 डाइस की सैंपल स्पेस को राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज ट्री मेथड। एक डाई में हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने आउटकम्स राइट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद आपने, अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट था, फर्स्ट हमारा जो आउटकम था वो 1 था। अब आपने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 को राइट करना है, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर 5 और देन 6। तो इस तरह से जब हम 1 के साथ राइट करेंगे तमाम एलिमेंट्स को, अब देखिए 1 के साथ 1 आ गया, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 5 और देन 6। तो इस तरह से हमारे जो 1 एक डाई का, जो फर्स्ट डाई का फर्स्ट एलिमेंट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड डाई के 6 आउटकम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आपने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 तक आउटकम्स राइट डाउन कर लेने हैं। इसी तरह 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 5 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सेकंड डाई के एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो सैंपल स्पेस है वो कंप्लीट हो जाएगी कि 1 के साथ 1 आ रहा है, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, देन 5 एंड देन 6। तो इसी तरह से हमारे ये 6 के साथ सेकंड डाई के 6 आउटकम्स, 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी सैंपल स्पेस जो कि 36 आउटकम्स की है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने दोनों मेथड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी अपनी चॉइस है आप दोनों में से किस मेथड को चूज करते हैं सैंपल स्पेस को राइट डाउन करने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।